विधियो लॉर्ड्स में दिखा डिविलियर्स का तूफानी अंदाज, छह छक्कों की मदद से 43 गेंदों में जड़ दिए 88 रन। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास के बाद भी डिविलियर्स का बला जमकर रन बरसा रहा है। हाल ही में एबी ने जबरदस्त पारी खेलते हुए 6 छक्के जड़ दिए। दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के पूर्व दिग्गज एबी डिविलियर्स ने इंग्लैंड में खेली जाने वाली मशहूर टी20 ब्लास्ट 2019 में धमाकेदार अंदाज में शुरुआत की। इस टूर्नामेंट का डेब्यू मैच ऐतिहासिक लॉर्ड्स मैदान में एसेक्स और मिडिलसेक्स के बीच खेला गया। मैच में एक बार फिर से दर्शकों को डिविलियर्स का तूफानी अंदाज देखने को मिला। मिडिलसेक्स की तरफ से खेलते हुए उन्होंने एसेक्स के गेंदबाजों की जमकर धुनाई की और सिर्फ 43 गेंदों पर नाबाद 88 रन बनाए। इस दौरान उन्होंने 6 छक्के और 5 चौके भी जड़े। एबी उस वक्त बल्लेबाजी करने उतरे जब मिडिलसेक्स ने 39 रन पर अपने 2 विकेट गंवा दिए थे। उसके बाद एबी जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए आखिरी तक मैदान पर टिके रहे और डेविड मलान के साथ मिलकर 105 रन की साझेदारी कर दी। एबी की इस तूफानी अर्धशतकीय पारी के दम पर मिडिलसेक्स ने एसेक्स को 7 विकेट से हरा दिया। पारी की शुरुआत में एबी धीमी बल्लेबाजी कर रहे थे और शुरू की 15 गेंदों पर सिर्फ 17 रन ही बना पाए थे। इसके बाद उन्होंने अपना पुराना अंदाज दिखाते हुए अगले 28 गेंदों पर 253 के स्ट्राइक रेट से 71 रन बना डाले। इस मुकाबले में एसेक्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 6 विकेट पर 164 रन बनाए थे। इसके जवाब में मिडिलसेक्स ने 17 ओवर में ही 3 विकेट खोकर जीत हासिल कर ली। बता दें कि इस लीग में डिविलियर्स पहली बार खेल रहे थे और काउंटी क्रिकेट में डेब्यू कर रहे थे। एबी को उनकी शानदार बल्लेबाजी के लिए मैन ऑफ द मैच चुना गया।